नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टी जेड। जनपद हाथरस में जेठ के महीने में सावन की मल्हार, सोशल डिस्टेंसिंग हवा में खूब लगे जिला अस्पताल में ठहाके। नर्स डे मनाने के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। हाथरस जिला अस्पताल के सीएमएस के कक्ष में खूब गई मल्हार, डॉक्टरों के चेहरे पर मास्क भी दिखे नदारद। खूब लगे ठहाके, आपत्तिजनक गीत पर खूब खिलखिलाए डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ। सोशल मीडिया पर हुआ वीडियो वायरल। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये कोई काव्य मंच नहीं है, ये जिला अस्पताल में सीएमएस का कार्यालय है। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के बागला जिला अस्पताल का मामला। समाचार एडी जेड के लिए हाथरस से हबीब खान की रिपोर्ट। चरक मचावे और जब घोटा ऊपर गूंजावे और ऊपर के एक दिन अब लगता है एक साल तेरे बिन अब मेरा भी है यार लगता है एक साल। वर्धन किया जा रहा है, क्या मामला है भैया? ये अभी गत 12 तारीख को नर्सिंग डे था, तो मतलब नर्सों ने कहा सर हमारा आज डे है, इस पर थोड़ा सा चाय पानी का कार्यक्रम हो जाए और हमारा उत्साह वर्धन हो जाए। मैंने कोई बात नहीं, आप लोग ऐसा चाहती हैं तो ठीक है, करीब 11:30-12 बजे के आसपास हम उसके अमर मारे हैं, वहीं पर आपको थोड़ा बहुत बैठ के बात कर लेंगे इस बात पर। हाँ, और जो भी है मतलब आपको अच्छा भी लगेगा और इससे कोरोना के माहौल में और ये आपको उत्साह वर्धन भी होगा, इसलिए करीब 10-11 नर्सें थी, आधी होती है ना, आधी अन्य विभाग में आती है, तो सभी पे मास्क था, तो उनके साथ सभी को सभी डॉक्टर्स थे, 4-5 उपलब्ध थे, उनके साथ उन्होंने उनका उत्साह वर्धन किया और इस तरह से ये कार्यक्रम करीब मुश्किल से 20-30 मिनट का चला हुआ। उन्होंने अपना केक भी मंगवाया, बांट के आपस में खाया था, ये कार्यक्रम हुआ। लेकिन मतलब इससे कि वो लोग, हमने यही कहा था कि आप लोगों के बिना मरीज के चेहरे पर मुस्कान नहीं आ सकती है, क्योंकि डॉक्टर अपनी दवा लिखता है लेकिन दवाइयाँ जो मरीज तक जाती हैं वो स्टाफ नर्स के माध्यम से ही जाती हैं, और ये प्राचीन काल से चला रहा है कि जो समर्पण स्टाफ नर्स का है मरीज के प्रति, उतना दूसरे के बारे में जानकारी भी इतनी नहीं हो सकती है, क्योंकि नर्सें हमेशा मरीज के टच में रहती हैं। इसलिए उनका हमने उत्साह वर्धन किया और जो आवश्यक जरूरी था कार्यक्रम हमने, उन्होंने इच्छा व्यक्त की तो हमने इसको रखकर उनका उत्साह वर्धन किया है।